नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस पी टेक्निकल सर्जी में स्वागत है। तो जैसा कि बताया दोस्तों कि मैंने कल से शुरू कर दिया है आईपीसी, तो आईपीसी का मैंने पहला यहाँ चैप्टर मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो आप सबको पता होगा कि ये एसिडिफायर में आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड, और इसके एसिडिफायर में कवर हमारा क्या डालिक एसिड, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमको दो ही पढ़ना है, एक अमोनियम क्लोराइड का और दूसरा मैंने क्या करना है डायरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिफायर में ही है। अब सबसे पहले बात करते हैं एसिडिफायर होता क्या है। एसिडिफायर की अगर बात करते हैं, एसिडिफायर वह एजेंट होते हैं जो कि हमारे स्टमक में एसिडियल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर यदि हमारे क्या हो एसिडियल इनसफिशियंट हो जाए, यानी कि पर्याप्त अमाउंट में न रहे, या फिर क्या हो अब्सेंस हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं एसिडिफाई एजेंट को लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या एसिडिफाइंग एजेंट, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको एसिडिफाइंग एजेंट आर दो एजेंट व्हिच आर यूज्ड इन अब्सेंस आर इनसफिशिएंट ऑफ एसिडियल इन स्टमक, ठीक है। यानी कि हमारे स्टमक में क्या हो अब्सेंस रहे या फिर क्या हो इनसफिशिएंट अमाउंट रहे एसिडियल का, तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं डायलिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके दोस्तों हम बात करते हैं डायलिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। डायल्यूट मतलब पहले क्या होता है, डायल्यूट मतलब सबको पता होगा कि हल्का, कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है कि गाढ़ा, मतलब कि कंसंट्रेटेड मतलब तगड़ा हो गया ना, और डायल्यूट मतलब क्या होगा हल्का। यानी कि अगर डायल्यूट हम बात किए तो डायल्यूट अगर हम कोई भी सॉल्यूशन होगा अगर डायल्यूट कहेगा तो डायल्यूट में क्या होगा एसिडियल कहेगा तो डायल्यूट मतलब कम अमाउंट रहेगा एसिडियल का, ठीक है, डायल्यूट का एसिडियल का अमाउंट कम रहेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड की बात करें कंसंट्रेट क्या होगा एसिडियल का अमाउंट क्या रहेगा ज़्यादातरा रहेगा, यानी वहाँ पर एसिडियल का अमाउंट ज़्यादा रहेगा और डायल्यूट का एसिडियल का अमाउंट कम होता है। ये होता है दोनों अंतर कंसंट्रेटेड और डायल्यूट, डायल्यूट का होता है एसिडियल हमारा कम होता है और कंसंट्रेटेड का एसिडियल ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा, और अगर हम बात करें इसमें अगर कितना लेते हैं, अगर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बोल देंगे बता दें कि अगर बात करें कितना लिया जाता है, हम बता दें कि इट्स कंटेन 10% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ एसिडियल लिमिट। देखिए क्या बोला मैंने, इट कंटेन 10% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ एसिडियल लिमिट, कितने कितने बीच में रहना चाहिए इसके लिमिट होता है, ठीक है। तो लिमिट इसका क्या है कि 9.5 से लेकर के 10.5 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि लिमिट है जो आपका एसिडियल होना चाहिए कितना होना चाहिए 9.5 से लेकर के 10.5 तक के बीच में होनी चाहिए, इतने होंगे डायल्यूट जब बनाएंगे आप डायल्यूट एसिडियल, तो इतने अमाउंट के बीच में लेकर के क्या बनाएंगे डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एचसीएल, और हम बात करते हैं सबसे पहले इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा क्या होता है एचसीएल सबको पता है, और अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना 36.5 ग्राम होता है, और सिनोनिम्स बात करें सिनोनिम क्या होता है इसका म्यूरिएटिक एसिड या फिर क्या होता है स्पीड ऑफ साल्ट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो नाम भी रखा है, ठीक है, म्यूरिएटिक एसिड और स्पीड ऑफ साल्ट, और सिनोनिम्स पता होगा आप सभी को, मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया इसमें बता रखा था सिनोनिम्स को क्या दूसरा नेम, यानी कि हम एचसीएल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दूसरा नेम से क्या कह सकते हैं या क्या जान सकते हैं। हाँ, कई बार क्वेश्चंस में आते हैं पूछे आते हैं कि म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है, म्यूरिएटिक एसिड मतलब क्या, आप थोड़ा समझ जाएगा क्या होता है एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा हो गया, और क्या हो गया स्पीड ऑफ साल्ट हो गया। और अगर हम बात करें मेथड एप्लीकेशन, देखिए मेथड एप्लीकेशन से बहुत ईजी है, अभी मैं बता दूंगा फटाक से आप लोग याद कर लेंगे, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं मेथड एप्लीकेशन में, क्योंकि ये चीज़ तो फटाक से आप लोग रट लेते हैं, ये जो तीन चीज़ें होती है ये फटाक से आप लोग क्या करते हैं रट जाते हैं, ठीक है, मार्कर फाकर रट जाएंगे, मार्कर वेट रट जाएंगे और सिनोनिम्स भी रट लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मेथड एप्लीकेशन की आसानी से लोग नहीं रट पाते हैं, तो अगर हम बात करें इसका मेथड एप्लीकेशन पहला क्या है, देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि क्या बात कर रहा है, जब हम H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं NaCl के साथ तो हमें क्या मिलता है HCl, ठीक है। आप लोग अगर इस फॉर्म में नहीं पाते हैं तो इजी वे में लिख दीजिए, व्हेन H2SO4 रिएक्ट विद NaCl टू फॉर्म HCl, ठीक है, एकदम इजी वे में लिख लीजिए, जैसे आप लोग उचित लगे, जैसे आप लोग आसान याद करने के लिए वैसे आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को अगर यदि याद करना होगा इसका रिएक्शन, तो मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब इजी क्या है सुन लीजिए, मतलब बेसिक सुन लीजिए, देखिए मतलब क्या, जल्दी अगर बात करें H2SO4, अगर यहाँ पर HCl आपको याद रहेगा कि HCl क्या हमारा एसिड है, ठीक है, और आपको HCl बनाना है एसिड है, याद रखिए अगर एसिड है तो हमको एसिड ही लेना है, क्या लेना है एसिड लेना है। अब एसिड हमने क्या लिया यहाँ पर H2SO4 हमारा क्या है एसिड ही है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा हमारा क्या है NaCl, अब NaCl क्या है ये हमारा
अगर बात करें इनिशियल का, तो इनिशियल हमारा क्या है, कॉमन साल, जो कि हमारा मतलब एसी पर, तो वैसे क्या मीटर पर है, पता होगा आप सभी को, जब हम एसी बेस का रिएक्शन कराते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, एनएससीएल हम लोगों पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक कहते हैं, निकालने के लिए हम बात करते हैं अगर एससीएल का एनएससी देते हैं, एसी का कोई लेना ही है, और क्या लेना है, न्यूट्रल यानी कि एनएससीएल, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एनएएच एसओ फोर प्लस एचसीएल, यानी क्या बना हमारा, सोडियम बाई सल्फेट, और क्या बना हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बात करते हैं हमारे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है इसको फिजिकली, मतलब किस से हम देखते हैं, कैसा कलर होता है, कैसा तब टेस्ट होता है, सारी चीज फिजिकली होता है इसमें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या है, इट इज कलरलेस, क्या होता है, इट इज कलरलेस क्लियर लिक्विड विद पंजेंट आदर, ठीक है। क्या है ये कलरलेस है, क्या कैसा है, क्लियर लिक्विड विद पंजेंट आदर, मतलब कि इसका जो स्मेल होता है आपको क्या छाप जो निकलता है इसका, वो मतलब हमको खट्टापन लेकर जाता है, ठीक है ना, ये हो गया। और क्या है, इट इज ए हाईली क्रोसिव स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो पता है सबको क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, ठीक है, इट इज हाईली क्रोसिव स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर ये बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए मेरी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इसका भी इसको याद करना बहुत ही ईजी है, और मैं अभी आप लोग को बता दूंगा जिससे आप लोग क्या होगा आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक ऑन मेटल टू फॉर्म द मेटल क्लोराइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है, HCl हमारा जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक मेटल क्लोराइड बनाएगा, ठीक है ना, और दूसरा क्या बनेगा, वहाँ हाइड्रोजन गैस वहाँ पर क्या होगा, रिलीज हुआ है, समझ नहीं आप लोग, मतलब एकदम ईजी है कि कोई सा मेटल ले लेंगे उसके साथ हम लोग HCl का रिएक्शन करा देंगे, ठीक है ना, तो मेटल का क्लोराइड बनाएगा। अब मेटल जो भी वहाँ पर आपको मेटल यूज किया, जैसे मैंने यहाँ पर कैल्शियम ले रखा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कैल्शियम के साथ HCl का रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बना, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बना, यानी कि मेटल का क्लोराइड बना, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा मेटल का क्लोराइड बनेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या बना, मेटल का क्लोराइड बना, और क्या निकला, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें अगला कि क्या है, इट टेक पार्ट इन वेरियस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, और ये क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी इसका पार्ट होता है, मतलब इवॉल्व होता है, यानी कि इससे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पर NaOH और क्या HCl, यानी कि ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, क्या हो गया, एसिड हो गया। अगर कि हम एसिड बेस के रिएक्शन कराते क्या बनता है हमारा HCl, जो कि हमने यहाँ पर था, यहाँ पर HCl जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, तो ये किसमें रोल करता है, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी रोल करता है HCl, यहाँ पर देख सकते हैं कि HCl हमारा क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ पर बन गया। और अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या, इट कंटेन नॉट लेस देन 95%, इट कंटेन नॉट लेस देन 95% एंड नॉट मोर देन 105%, ठीक है। देखिए आपने लिख रखा है, इट कंटेन नॉट लेस देन 95% एंड नॉट मोर देन 105% ऑफ HCl, ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड हो गया। अब देखिए अभी इसके आगे आप लोगों का बचा हुआ है यूज, अब मैं आप लोगों का यूज बताया था, उसका यूज क्या है, जनरली एक मैं बहुत बार से बोले खाली जाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को मैं लिख दूँ ताकि आप लोग भी नोट कर लें अच्छे से चीज़ों को समझ। और हाँ एक चीज़ अगर यदि जो भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आती है, डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में ही बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ जो मजबूत करके मैसेज करके जैसे टाइप करके चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक है। तो अगर भी आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ आती तो आपको कमेंट करके जरूर जरूर हमसे क्या करिए, आप पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए अब हम दिखाते हैं आप लोगों को इसका यूज क्या है, इट इज यूज एज एसिडिफायर इन केस ऑफ एक्लोराइडिया ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा इसका क्या है यूज, इट इज यूज फार्मास्यूटिकल एड, यानी इसका हम किसमें करते हैं, फार्मास्यूटिकल एड यूज करते हैं। अगर हम अगला बात करें, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, यू करते हैं इसका हम यूज,
इसके देखिए यूज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इट इज यूज एज एन एसिडिफायर इन केस ऑफ एक्लोहाइड्रिया। एक्लोहाइड्रिया क्या है हमारा? एक्लोहाइड्रिया वही है जो हमारे स्टमक में ऑब्सेंस हो जाए सीएल या तो फिर इनसफिशियंट हो जाए सीएल, तो वहां पर क्या होता है हमारा? एक्लोहाइड्रिया। ठीक है, तो इसी केस में हम लोग क्या करते हैं? एसिडिफाइंग का यूज करते हैं। कौन होता है हमारा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। और इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड हो गया, और इट इज यूज एज सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए इतने था। अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स, अगर जो हमें डाइल्यूट बनाना होगा तो इंग्रेडिएंट्स हमारा कितना होना चाहिए? ठीक है, अगर देखा जाए हमारे जो बुक में जो दे रखा है, मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, तो आप लोग अगर नहीं चाहेंगे तो पेपर में आएगा तो आप लोग इसको क्या लिख भी सकते हैं कि हमारा इंग्रेडिएंट्स कितना है। अगर इंग्रेडिएंट एच सी एल की बात करें, जो एच सी एल होता है हमारा 270 ग्राम। ठीक है ना, और अगर हम बात करें प्यूरिफाई वाटर, अगर प्यूरिफाई अगर हम वाटर देखें तो देखिए अब यहाँ पर जिसने बोला ये डाइल्यूट है, यहाँ पर वाटर अमाउंट क्या होगा? वाटर के अमाउंट यहाँ पर कम होगा। तो अब देखिए अब वाटर जो हमारा होगा यहाँ पर वाटर के अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि डाइल्यूट हमारा है। एचसीएल के अमाउंट हमारा क्या होगा? कम होगा। और वाटर के अमाउंट क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा, यानी कि 726 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर वाटर। और देखिए यहाँ पर वाटर के अमाउंट ज्यादा और एचसीएल के अमाउंट क्या हमारा लोअर, तो ये हमारा क्या होगा? डाइल्यूट बना। अगर यदि यहीं पर एचसीएल के अमाउंट हमारा क्या होता है? ज्यादा होता, अगर वाटर के अमाउंट कम होता तो क्या होता हमारा पर? कंसंट्रेटेड बन जाता, यानी हमारा क्या बनता है? कंसंट्रेटेड एचसीएल। ठीक है, अगर डाइल्यूट बात किया, डाइल्यूट में क्या होगा? एचसीएल के अमाउंट कम होगा और वाटर के अमाउंट ज्यादा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एचसीएल का अमाउंट 270 ग्राम ही है और प्यूरिफाइड वाटर कितना हमारा 726 ग्राम ही है। ठीक है दोस्तों, आज के दिन बस इतना ही, और जो भी था मैंने इस चैप्टर में यानी इस लेक्चर में पूरा सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अगर यदि आप लोगों को पेपर्स में आते हैं तो आप लोग एग्जाम में मीजी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने लिखा है, जिस तरीके मैंने बताया है, चीज़ों को आसानी से याद भी कर सकते हैं, अच्छे लोग लिख भी सकते हैं। और हाँ, अगर यदि कोई दिक्कत भी हो तो दोबारा बोलो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर चीज़ें पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगले लेक्चर्स में। और हाँ, जो भी लोग अगर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों।